आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वेन्यू का इंटीरियर। फिलहाल के लिए वेन्यू के अंदर ही हूँ और इंटीरियर का काम जो है खत्म होने वाला है। सुबह 10 बजे गाड़ी आई थी, अभी शाम का टाइम हो चुका है और जो ओनर आए थे वो मेरी वीडियो और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करते हैं मेरे को, वो चीज़ देख कर आए थे। तो आपको पूरा इंटीरियर दिखाऊंगा इस गाड़ी का और बेसिक ऊपर वाला मॉडल है तो एक थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा कितने फीचर्स हैं। इन्होंने कंपनी से स्टीरियो और बैक कैमरा ही डलवाया है और साउंड आपको चेकआउट कराऊंगा कि कैसा साउंड आ रहा है गाड़ी के अंदर से, कंपनी वाली फील के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। टोटल इंटीरियर का काम करा, पिलर चेकआउट कर लो, सीट चेकआउट कर लो, गाड़ी के डोर के भी जो आते हैं हमारे ये भी एक ही का लगा है, बाकी सबके लगने हैं। स्टीयरिंग देख लो, फिलहाल हमारे टिंकू भैया ये काम कर रहे हैं, इनसे भी आपको मिलवाता हूँ और लास्ट में आपको ओनर से मिलवाऊंगा कि उनको कैसा लगा काम करवा के। जैसी मैंने वीडियो बनाई थी कि हाँ एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, वो है एक्चुअली में कि नहीं है, क्योंकि अगर कोई बंदा वीडियो देख के आया तो यार यू कैन एक्सपेक्ट कि वो झूठ तो नहीं बोलेगा। पहली बात, अगर वो वीडियो देख के आया तो कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके आया होगा और अगर वो एक्सपेक्टेशंस उसकी पूरी हुई है तो वो वीडियो में वो चीज़ बताएगा, अगर नहीं हुई है तो वो चीज़ भी आप तक पहुंचने वाली है आज की वीडियो में। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को एंजॉय करें और रिलैक्स हो जाएं, पीछे बैठ जाएं यार आराम से, क्योंकि एक इंटीरियर आपको अच्छा दिखाने वाला हूं। और ईयरफोन लगाओ, रिलैक्स करो, पूरी वीडियो देखो, मजे लो। ये टिंकू भी अभी थोड़ा सा काट के भैया ने वहाँ पे इंस्टॉल करा है और थोड़ी सी पॉलिश आप देख पा रहे होंगे, शाइनिंग आ रही है बिल्कुल वहाँ पे, तो ये पॉलिश थोड़ी सी हमने लगाई थी। और भैया इसके अंदर भी थोड़ी सी कटिंग कर रहे हैं, भैया ने कहा कि कटिंग करने के बाद ये चीज़ इसके अंदर आराम से फिट हो जाती है और एक जैसे वहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर फिट आई है ना, तो वो वाली फिट मिलती है। हर गाड़ी में तो नहीं करना पड़ता शायद, नहीं कुछ कुछ में करना पड़ता ना। फोन चेकआउट करें कैसे डल रहा है, ये पोपो लगा रखा है इसके अंदर, कंपनी फिटेड तो नहीं है बट जो भी है, या तो एक ख़राब हो गया या इन्होंने लोकल लगवा लिया। अभी आपको DRL भी चेकआउट कराऊंगा, आगे DRL वीआर डली हुई है, बाहर एक्सेसरीज डली हुई है, वो सारी चीज़ें चेकआउट कराऊंगा। यहाँ पे साइड बिल्डिंग डाल रहे हैं हम डोर वाली, तो यहाँ पे क्लीनिंग करके ये लगाया हमने। अब ये 3M वाला प्राइमर नहीं है बट कोई और अदर कंपनी का प्राइमर है, अब ये तो मेरे को पता नहीं अच्छा है कि बुरा है, बट अगर जिसको पता है भाई ज़रूर से कमेंट करके मेरे को बताना कि कैसा है ये। और ये फाइनल स्टेप की तरफ है, एक पीस रह गया लास्ट का हमारा ये वाला, तो चेकआउट कर लो। और ये चीज़ खुलती नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम हमने वेन्यू में ट्राई करी थी ना, ये देखो एक तो ये पेंच खोल रहे हैं बट ये चीज़ खुलती नहीं है, तो इसके अंदर टकिन वाला सिस्टम चलाएंगे, है ना भैया? इसके अंदर टकिन करेंगे या खुल जाती? अब टूटने का डर है ना, पिछली बारी वेन्यू में भी नहीं खुली थी, तो इसके अंदर ये एक सॉफ्ट टच वाला फील देने के लिए हाई डेंसिटी फॉर्म डाल रहे हैं वाली। ये कितने mm होगी भैया? 10 mm, हाँ 10 mm के आसपास की फॉर्म है। और ये जो मैट पड़े हैं ये वेन्यू के ही हैं भैया, ब्राउन वाले। एक डाउट था कि ये हीट होने पे ये गम छोड़ता है, तो इसका सोल्यूशन बता दिया कि भाई जब इसको उतारना होता है तो इजीली उतर जाता है, अगर हीटेक्स यूज करेंगे तो वो चीज़ उतर नहीं पाती। फ्यूचर में अगर इंटीरियर चेंज करना हो या फिर रिमूव करने का प्लान हो किसी का, और बाकी जैसे ये भी तो यार ठंड का टाइम है, जैकेट वैकेट पहन के घूम रहे हैं हम भी, भैया भी स्वेटर पहन के हैं। जब गर्मी आएगी तो गर्मियों में मैं आपको एक बार और बताऊंगा कि भाई कैसा रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि गाड़ियां एक बार आती है तो उसके बाद भी कभी ना कभी मॉडिफिकेशन के लिए आती है, तो गर्मियों में हो सकता है कि कोई गाड़ी आए तो उसके अंदर मैं आपको कवर करके बताऊंगा कि इसके अंदर गम वाला कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्योंकि जब तक वो चीज़ सामने से एक्सपीरियंस नहीं होगी तो मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। ये पूरा चढ़ जाने देता हूँ इसके ऊपर। भैया ये जो फॉर्म है इसको भी पेस्ट करेंगे कि इसको सिर्फ? अच्छा, इसको भी पेस्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इंटीरियर पे भी इसी तरीके से वर्क होता है जैसे कि हम हैंडरेस्ट पे वर्क कर रहे हैं, दोनों साइड पे जो है बोस्टिक यूज़ करते हैं, तो इसके ऊपर भी करते हैं यूज़? इसमें नहीं करते क्योंकि इसमें लेदर डला हुआ है ऑलरेडी और इसमें भी थोड़ा सा है, आप देख सकते हैं, बट ये काफी हार्ड है और ये चीज डल जाएगी तो एक सॉफ्ट वाली फील आ जाएगी इसके अंदर। तो भाई लोग काम हो चुका है पूरा का पूरा वेन्यू का, आपको वेन्यू चेकआउट कराता हूँ, उसके बाद गाड़ी के ओनर से मिलवाऊंगा और दुकान के ओनर से भी मिलवाऊंगा ताकि आपको थोड़ी बहुत प्राइसिंग का आइडिया लग जाए। और प्राइस जो है मैं आपको टोटल बता दूंगा कितना खर्चा आया, एक एक पार्ट के प्राइस बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो चलते हैं वॉकआउट की तरफ। मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है भाई वेन्यू, जिसके अंदर अभी मैट नहीं डला ये वाला, 70 मैट ही ड्राइवर साइड का पड़ा हुआ है। फिलहाल के लिए आपको लेके चलते हैं भाई फटाफट इसकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं टेल लाइट में और इसमें ब्रेक लाइट में कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं। एक बार चाबी ऑन कर दूँ, सो ये चेकआउट कर लो। जैसे टॉप मॉडल में क्रिस्टल वाले आते हैं, टॉप मॉडल वाली वेन्यू वहाँ खड़ी थी पर जा चुकी है, तो वो वाले इसके अंदर नहीं आते। और यहाँ पे भी नॉर्मल चीज़ें हैं, यहाँ की भी लाइट है येलो ही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला गया। यहाँ पे सारे भाई मिलके हमारे पन्नी उतार रहे हैं इसका क्रोम के, और यहाँ पे डाली हमने क्रोम वाला डोर वाइजर, साथ ही साथ क्रोम वाली विंडो गार्निश। उतर गई भैया पन्नी? चलो पन्नी उतरने दो। और यहाँ पे जो है सेम, आप एक बार क्रोम की चेकआउट कर लो, इसमें जब आप परचेस करेंगे तो आप एक बार क्वालिटी ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट आते हैं। इसकी पन्नी मैंने देखो थोड़ी सी उतार के रखी थी ताकि मेरे को दिक्कत ना हो आपके सामने उतारने में वीडियो में, तो चेकआउट कर लो क्रोम कैसा लग रहा है यहाँ पे।
और अब आपको लेके चलता हूँ फ्रंट की तरफ जहाँ पे हमने डाली है DRL, और ये DRL लाइट खोल के डाली है। इसके अंदर एक दिक्कत ये हो गई कि अगर ये यहाँ तक डल जाती तो एक सी टाइप लुक मिल जाता, बट उस टाइम ध्यान नहीं दिया और अब ये जो है प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैं आज लेट आया था तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया और ये सारा काम मेरे से पहले हो चुका था। बट DRL की लुक चेकआउट कर सकते हो कि काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छी आ रही है। बैक साइड पे हैलोजन बल्ब भी है, इसके अंदर LED या HID दोनों में से कोई भी यूज़ नहीं करा गया। यहाँ पे फॉग लाइट की स्पेस जो है नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ पे फॉग लाइट नहीं डाला गया। और यहाँ पे आप एक बार DRL की लुक चेकआउट कर सकते हैं। सामने की तरफ ग्रिल चेकआउट कर लो वेन्यू की कैसी लग रही है, और इस तरफ भी आपको चेकआउट करा देता हूँ DRL। इसके अंदर स्टीरियो और जो हमारा बैक कैमरा डला है वो भाई कंपनी वाला डला है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है DRL की, जैसे हम बाहर वाले लगाते हैं उससे ज़्यादा बेटर लग रहा है ये एक तरीके से। एक बार इंडिकेटर पर चेकआउट कर लो कैसा लग रहा है ये वाला, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए, और वो वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बार आपको थोड़ा दूर से लुक चेकआउट कराता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक का कोई मेरे को उड़ा के ना चला जाए तो देखना पड़ता सब कुछ। एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं, भाई गाड़ी आ रही मेरे पीछे फुल पावर, तो लेके चलता हूँ आपको अंदर की तरफ। यहाँ पे जब तक पन्नी उतर रही है तो चलते अंदर की तरफ। तो सबसे पहले भी एक मिनट देना, सबसे पहले आपको मिलती है भाई 70 मैट, क्योंकि गाड़ी के अंदर कोई भी फ्लोरिंग नहीं करी, इसको मैंने व्हाइट पे सेट कर दिया क्योंकि व्हाइट कलर मेरे को अच्छा लगता है जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पे डाली स्कफ प्लेट, आगे की बड़ी होती है पीछे की छोटी होती है, इसके ऊपर भी पन्नी होती है, वो भी आपको उतार के दिखा देता हूँ। ये देखो शाइनिंग चेकआउट कर लो कैसी आ रही है, और ब्राइटनेस चेक कर सकते हो भाई आपके सामने ही है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा फ्लोरिंग नहीं है गाड़ी के अंदर, थोड़ी तबीयत ख़राब है भाई तो माइंड मत करना, बट फ्लोरिंग नहीं भाई गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे जो है 70 मैट डालें जो कि H2 है आपके सामने। यार तबीयत ज़्यादा ख़राब है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे चलते हैं भाई। इसकी लाइट वाइट आपको चेकआउट करा दूँ एक बारी। ये देखो ब्लू और येल्लो और कौन सा रेड है, रेड, और ये हमारा डिस्को, डिस्को कहाँ गया मेरा, वो मेरा डिस्को कहाँ गया, डिस्को दीवाने, ओ भाई डिस्को चल नहीं रहा, ओ भाई ये क्या हो गया, ओ भाई डिस्को कहाँ है, ये तो नहीं है डिस्को, ओके वी गॉट अ डिस्को। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका गाना ऑलरेडी मैंने खोल रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे मिल जाता है भाई Hyundai का ही परफ्यूम है इसके अंदर, जो कि कंपनी वाले दे देते हैं। यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, नॉर्मल AC वेंट मिल जाते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता, दोनों साइड के एयरबैग मिल जाएंगे ड्राइवर और पैसेंजर साइड पे, सिर्फ फ्रंट साइड पे ये एयरबैग। वहाँ पे जो है पन्नी उतारने का काम चल रहा है, भैया उतार रहे हैं फुल पावर पन्नी। आपको एक बार स्टीयरिंग कंट्रोल दिखाए थे मैंने, जैसे कि इसके अंदर मल्टीमीडिया के मिल जाते हैं बट अदर फीचर्स नहीं मिलते। एक बार काम हो चुका है तो स्टीयरिंग चेकआउट कर लो कैसा लग रहा है, और अब आपको बारी है इंटीरियर चेकआउट कराने की, तो इंटीरियर भी एक बार आपको चेकआउट कराता हूँ प्रॉपर। तो एक कलर का आइडिया लग गया होगा कि वेन्यू के अंदर ये वाला इंटीरियर कैसा लगता है, आप देख सकते हैं। और सारी वेन्यू में ऑलमोस्ट हम सेम काम होता है, तो आपको सिर्फ एक इंटीरियर का डिज़ाइन मेरे को पसंद करवाना है ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि कैसा काम होता है यहाँ पे। और ये गाड़ी सुबह 10 बजे की आई हुई है, मैं थोड़ा लेट आया था आज, बट जैसे लास्ट वाली वेन्यू में मैंने बताया था कि भाई मैं देख रेख करता हूँ जब काम हो रहा होता है, बट ये जो सारा काम हुआ है मेरे पीठ पीछे हुआ है, तब भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं। हमारे साथ ऐसा सीन नहीं है कि भाई हम वीडियो बना रहे तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और वीडियो नहीं बना रहे तो काम बेकार होगा। आपके सामने एक ड्राइवर साइड का ओवरव्यू आ चुका है, देख सकते हैं कैसी फिट एंड फिनिश है यहाँ पे। अब आपको पैसेंजर साइड भी एक बार सीट चेकआउट करा देता हूँ, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बट हमारे में ऐसा नहीं है कि भाई हम वीडियो बना रहे तो काम अच्छा है और नहीं बना रहे तो काम बुरा है। इस साइड भी देख लो एम्बिएंट लाइट हमारी फुल पावर वाइट डिस्को कर रही है अलग अलग तरीके से, काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए। आपको अभी डोर पैनल चेकआउट कराऊंगा, बट उससे पहले हमारा सी पिलर, बी पिलर और ए पिलर चेकआउट कर लो कैसे लग रहे हैं। और इसमें जो है रूफिंग का काम, रूफ़ का काम भी हो सकता है अगर आप कराना चाहते हैं तो, बट अभी इस गाड़ी के अंदर नहीं करा है, बजट के ऊपर डिपेंड करता है जो कराने आ रहा है। और यहाँ पे बैक साइड की भी सीट भाई चेकआउट कर लो, बिल्कुल प्रॉपर है, एक नंबर लग रही है, बिल्कुल सेक्सी। और पीछे की जो है इसका प्लेट थोड़ी छोटी होती है डिपेंडिंग ऑन द स्पेस, यहाँ कम होती है हर गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर सिलाई और कोने चेक कर लो जब भी मैं इंटीरियर आपको चेकआउट कराता हूँ। एक बार डोर के ये इंटीरियर चेकआउट कर लो, जब भी मैं आपको इंटीरियर चेकआउट कराता हूँ तो कोने कोने चेक कराता हूँ भाई। और ये सिलाई वाला डिज़ाइन काफ़ी प्यारा लगता है, जो कि नायलॉन थ्रेड के अंदर अलग ही शाइन आ रही है भाई, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, इसके अंदर जो गाड़ी होती है, जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं ये एक डिज़ाइन है, तो ये वाला डिज़ाइन जैसे अगर आप स्कॉर्पियो की बात करें, अगर यहाँ से ये वाला पैनल अलग होता तो उसके अंदर, जैसे मैंने आपको सॉफ्ट टच वाला हमारा ये दिखाया था हैंडरेस्ट, तो उसके अंदर भी ये वाली सॉफ्ट टच वाली फील डाली जा सकती है, क्योंकि इसके ऊपर जो हम कपड़ा रैप करते हैं इसके अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि भाई एक ही प्लास्टिक है, बट अगर ये अलग अलग होता तो उसके अंदर जो हम करते हैं उसके अंदर डायमंड कटिंग या फिर जो भी डिज़ाइन आप पसंद करते हैं वो डिज़ाइन बनवा के एक सॉफ्ट टच वाला हम इसके अंदर फील दे सकते हैं, जो कि हमारा हाई डेंसिटी फोम डालने के बाद हो जाता है। यहाँ पर चेकआउट कर लो, फिनिशिंग कैसी है आपके सामने ही है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। और आपको लेकर चलता हूँ सीधा, ये दिखाता हूँ हैंडरेस्ट की फिटिंग कैसी आई है यहाँ पे, और डोर के एक एक करके गत्ते चेकआउट कराता हूँ।
अब आ गए हैं फ्रंट साइड के लेफ्ट वाले डोर पे, तो यहाँ पे भी आप चेकआउट कर लो, आपके सामने है सिलिकॉन थ्रेड के अंदर है ये वाली चीज़ भी, और सारी चीज़ आपके सामने है, कोई वो नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गम वम है वो मिटा देते हैं, बाकी अगर नहीं मिटता तो वो चीज़ जो है आप खुद भी मिटा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। अगेन अंदर की साइड पे आ गया हूँ, तो आपको ये पिलर चेकआउट करा दूँ। यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिश डली हुई है ऑलरेडी, जो मैंने आपको बताई थी कि क्यों हमने डाली थी, और यहाँ पे भी देख लो पूरी प्रॉपर फिटिंग आ गई है यहाँ से भी, और एक इंटीरियर में अच्छा फील आ जाता है। बजट सेगमेंट की गाड़ी है भाई वेन्यू, अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर काम हो जाए तो काफ़ी अच्छी लुक एंड फील मिल जाती है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इस साइड की बात करूँ तो इस साइड भी आप कोने थोड़े से चेकआउट कर लो जितना कैमरा जा रहा है, और उस साइड से भी कोने थोड़े से चेकआउट कर लो जितना कैमरा जितना जा सकता है उतना मैं आपको चेकआउट करा रहा हूँ। उस साइड गाड़ी खड़ी है, उस साइड थोड़ी स्पेस नहीं है वॉकिंग के लिए, इसलिए मैं इस साइड से हूँ, और आपको एक बारी ये भी चेकआउट कराना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर हमने हाई डेंसिटी फोम डाला था। यही वाली फील मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली फील अगर आप उसमें चाहते हैं तो उसमें हो सकता है, अगर आपका ये वाला डोर पैनल अलग से है तो उसके अंदर डलवा सकते हैं। एक बार इसकी भी फिनिश चेकआउट कर लो क्योंकि काम भाई अच्छा करा है, और ऐसा नहीं है कि वीडियो के लिए काम अच्छा होता है यहाँ पे। और यहाँ से भी चेकआउट कर लो कैसा लग रहा है स्टेयरिंग के लिए, और अब आपकी बारी है। इसके अंदर नीचे से एक बार दिखा दूँ, लास्ट वाले वेन्यू में क्या हुआ था, हमने इसको खोलने की कोशिश करी थी तो उसके अंदर थोड़ी सी यहाँ पे गैपिंग रह गई थी। आपने अगर लास्ट वाली वेन्यू की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, ये चीज़ खुलती नहीं है, तो इस बार हमने रिस्क ही नहीं लिया इसको खोलने का, बस हमने प्रॉपरली काम करा है। तो इसमें जो है फिनिशिंग आप देख सकते हैं अच्छी आई है, पर इसमें भी हल्की सी जो है गैपिंग है, क्योंकि ये इंटीरियर डालने के बाद ये बैक साइड पे पूरा जो है पेस्टिंग नहीं हो पाती, मतलब पेस्टिंग इन द सेंस कि ये प्लास्टिक दोबारा उसके साथ टच नहीं हो पाता है। सिर्फ वेन्यू के केस में निसान किक्स के अंदर भी ये वाली प्रॉब्लम नहीं थी, जबकि उसके इंटीरियर में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी हमको करने में, पर ये सिर्फ मेरे को इसके अंदर फेस हुआ था। जो जिन ओनर के पास वेन्यू है यार, एक बार आप ये चीज़ को समझ सकते हो, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना, जो चीज़ जेन्युइन है वो चीज़ जेन्युइन है। मैं बोलूँ बहुत अच्छा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, बट जो चीज़ रियलिटी है वो चीज़ मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में दिखाता हूँ। तो इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई, और मैं ऐसे ऐसे इंटीरियर के टाइप्स ऑफ इंटीरियर आपको दिखाता रहता हूँ। ऐसा नहीं है भाई 2.5 लाख का 2 लाख का काम हो रहा है तो ही मैं आपको कोई चीज़ दिखाऊंगा, अगर कोई कम बजट के अंदर काम हो रहा है तो मेरा काम है यार आपको वो भी चेकआउट कराना, क्योंकि जैसे इसके अंदर देख सकते हैं डायमंड डिज़ाइन में ऊपर दिया गया है और नीचे पूरी बकेट फिटिंग के साथ काम करा गया है यहाँ पर, और इधर भी 70 मैट डाले गए हैं क्योंकि फ्लोरिंग नहीं करी गाड़ी में, तो यहाँ पे भी 70 मैट डाले हमने, और वहाँ पे जो है वहाँ पे भी गत्ता चेकआउट कर लो। ये क्यों रो रहा भाई, कोई बात नहीं, ये जो है कैमरे का रिस्पॉन्स आप एक बार चेकआउट कर लो, क्योंकि ये जो कैमरा है भैया ने कंपनी से डलवाया था, स्टीरियो भी भैया ने कंपनी से ही डलवाया था, तो मैंने सोचा एक बार आपको चेकआउट करा देता हूँ कैसा रिस्पॉन्स है। काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है, और ये कंपनी वाले स्टीरियो का जो हमारा वो रहता है, क्यों रो रहा भाई क्यों रो रहा मत रो, जो कंपनी वाला हमारा स्टीरियो रहता है जो ह्यूंडई वाले लगा के दे रहे हैं, उसमें मैं आपको एक चीज़ चेकआउट करा देता हूँ कि जो हम चीज़ डालते हैं वही दी है इन्होंने भी। देखो 2 GB रैम 16 GB इंटरनल जो हम डालते हैं वही है, ये भी 8.1 एंड्रॉइड पर रन कर रहा है जो कि आप अपडेट कर सकते हो इन फ्यूचर, और CPU देखो 1.3 GHz × 4 है जो कि हम यूज़ करते हैं वही वाला है इसके अंदर भी, और डिस्प्ले भी HD है 1024×600, इनसे चार्ज करा गया 25,000 rupees, स्टीरियो 1 बैक कैमरा एंड 4 स्पीकर्स, डोर स्पीकर्स डाले गए हैं जिसका साउंड अभी मैं आपको आउटपुट चेकआउट कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। वेन्यू के अंदर एक फुटस्टेप डालने का ऑप्शन भी होता है, अगर आप डलवाना चाहते हो तो डलवा सकते हो। यहाँ पे हमने डोर बिडिंग डाली है, सेम उस साइड भी डाली है थोड़ा सा क्रोम टच के लिए, एक क्रोम किट आती है लाइट वाली बैक एंड फ्रंट के लिए, आप चाहें तो वो भी डलवा सकते हैं। रूफ रेल कंपनी फिटेड है, तो यानी कि भाई इसको मैं फुल पावर पकड़ के ऊपर चढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हमने शार्क फिन एंटीना डाला भाई देख सकते हैं, और रूफ जो है क्रैप करने का ऑप्शन रहता है यहाँ पे, बट हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा, इस गाड़ी के अंदर एक डिसेंट लुक है। और एक बार आपको लुक चेकआउट करा देता हूँ दूर से कैसी लग रही है भाई गाड़ी, और उसके बाद साउंड टेस्ट करेंगे और आपको मिलवाऊंगा, वहाँ पे बिलिंग चल रही है ओनर से गाड़ी के और जिन्होंने काम करा है वाला गाड़ी का। तो एक बार दूर से लुक चेकआउट कर लो कैसे DRL लग रहे हैं इसके अंदर, अभी फिलहाल इंडिकेटर पे है। और यहाँ पे जो है व्हील कैप डाली गई है कंपनी की तरफ से ही, और आप देख सकते हैं कि कितनी जो है डिसेंट एक गाड़ी की लुक आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ओवर काम हो रखा है। अब चलते हैं साउंड की तरफ, तो साउंड आपको चेकआउट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कंपनी वाले स्पीकर के अंदर से साउंड कैसा आता है वो चेकआउट कराता हूँ। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल वर्किंग में, you want.
कंपनी वाले स्पीकर में मेरे को एक चीज़ थोड़ी सी बेटर लगी कि साउंड क्लैरिटी है, क्योंकि इन्होंने लाउड ज़्यादा नहीं करा है जितनी स्टीरियो संभाल सकता है, क्योंकि स्टीरियो एक पॉइंट पे डिस्टॉर्ट करने लगता है। जैसे अभी भाई 20 पे है, ये ऑलमोस्ट जो है 26-27 पे डिस्टॉर्ट करेगा, डिस्टॉर्शन जो है स्टीरियो देता है, तो उसी हिसाब से इन्होंने सेटिंग करी है। और अगर इसकी ऑडियो सेटिंग करें तो ऑडियो सेटिंग में आप देख सकते हैं कि डिसेंट रखी गई है। उसी के साथ ये हाई फाई जो ऑन है, ये चीज़ मेरे को नहीं पता, क्योंकि अभी तक बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ मैंने हाई फाई देखा, बट इसके बारे में भी मेरे को नहीं पता। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से अपडेट करूँगा इसके बारे में रिसर्च करके। कस्टम रखा गया है, ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मली सेट करी गई है। एक अच्छा बेस कह सकता हूँ कि हाँ, एक हल्का हल्का बेस वाला साउंड भी है इसके अंदर, अंडर सीट बूफर या फिर ऐसा कोई बेस का सिस्टम नहीं है, बट जो स्पीकर है काफ़ी ज़्यादा और डिसेंट साउंड कर रहे हैं। क्लैरिटी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, कौन से कंपनी के मेरे को नहीं पता, ये कौन सी कंपनी का मेरे को नहीं पता, बट मैंने आपको एंड्रॉयड सेटिंग चेकआउट करा दी, जो कि मेरा काम था, ताकि आपको पता रहे जो कंपनी से और ये बाहर से आप डलवा रहे हैं दोनों की स्पेसिफिकेशन सेम है। हाँ, कंपनी अलग अलग हो सकते हैं, हाइपरसोनिक, स्मार्ट सोनिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी कंपनी आती है, बट एक जो स्पेसिफिकेशन होती है, अब आप वन प्लस ले लो या वन प्लस के कोई उसके टक्कर में कोई और फ़ोन ले लो जिसकी स्पेसिफिकेशन सेम है, तो आप समझ सकते हैं 19-20 का फ़र्क तो रहता है कंपनी के लिए, बट स्पेसिफिकेशन एक सेम मिल जाती है आपको इसके अंदर। और वाईफाई, एंड्रॉयड वैंड्रॉयड सब कुछ है इसके अंदर, तो ऐसे कोई टेंशन वाला जो है काम नहीं है। प्ले स्टोर मिल जाएगा तो चीज़ें आप चला सकते हैं इजीली। ये रहा हमारा प्ले स्टोर, ये रहा हमारा यूट्यूब जिससे मैं आपको गाना चेकआउट करा रहा था। चलता हूँ ओनर की तरफ भाई, मिलवाता हूँ आपको सबसे। तो निकू भैया ने यहाँ पे काम करा भाई सारा, तो भैया आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, तो कैसे कॉन्टैक्ट करें आपको? कॉन्टैक्ट करना है तो करोल बाग आके करें, नहीं तो फोन से भी कॉन्टैक्ट हो सकती है। फ़ोन नंबर मैं भैया का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो भैया को कॉल कर लेना और अपना कार्ड दिखा दो एक बारी। कार्ड वाले नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, ठीक है? जो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया उस पर कॉल कर देना, आपको सिर्फ एड्रेस चेकआउट करा देता हूँ। तो एड्रेस चेकआउट कर लो, यहाँ पे अब्दुल अजीज़ रोड है करोल बाग में, कार मार्केट है जो कि पूरी यार आप देख सकते हैं, वहीं पे आके भैया को कॉल कर लेना, जो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो भैया ने काम करवाया, भैया वहाँ लाइट में चलते हैं क्योंकि फोकस वाली लाइटें सारी वही डली हुई है। आओ सरकार आओ। तो दोनों भाई आए हैं हमारे पास काम कराने के लिए। भैया आपने क्या, कौन सी वेन्यू की वीडियो देखी थी, यूट्यूब पे या अदर गाड़ी की देखी थी? नहीं सर, आपकी पहली वीडियो देखी थी वेन्यू वाली, इंस्टाग्राम पे वेन्यू वाली। अच्छा, इंस्टा पे देखी थी आपने, सेंटोस वाली भी देखी थी। अच्छा, तो आप कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके आए होंगे, वो पहले ऑडियंस को बता दो क्या लाए थे एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन यही लेके आए थे कि अच्छा काम होगा, क्योंकि हमने जो पीछे की वीडियो थी वो भी देखी थी, तो काफी अच्छा काम लगा था। तो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो गई आपकी? तो हम किसी और दुकान पे भी नहीं गए, एक्सपेक्टेशन सारी पूरी हो चुकी है। चलो, काम बढ़िया लगा आपको? बहुत अच्छा काम कर रखा है। और कितने की बिलिंग हुई है आपकी टोटल? बिलिंग हुई है भाई 26,900 की। चलो ठीक है, तो मैंने प्राइस भी बता दिया जो टोटल है। एक बात और है भाई, वहाँ पे जो एक लड़का काम करता है उसकी सैलरी बढ़वा दो, है नहीं अभी टिंकू जो जिसने सीट कवर चढ़ा भाई, आपने उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए। अब भाई रिक्वेस्ट करेंगे इनसे कि सैलरी बढ़ा दे। तो भैया को लेट हो रहा है, भैया को बाय बोलते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। तो एक बार तो यही था बस आज की वीडियो के लिए यार। मैंने आपको ओनर से भी मिलवा दिया जिन्होंने की गाड़ी थी, और आपको एक रिस्पांस भी दे दिया कि कैसा लगता है उनको काम कराने के बाद। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वाली वीडियो को, और चैनल में बने रहे।